एवरीवन, सो आज का अपना टॉपिक है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है और इसका अच्छे से अपन को समझ में भी नहीं आता एक के जन से, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को अपन समझाते हैं। ये ईसीजी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है तो अपन ईसीजी को भी साथ में लेके चलेंगे। तो अपन को जब ईसीजी की अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में जानना है तो अपन को पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईसीजी क्या होती है। तो जो नॉर्मल ईसीजी के अंदर जो पी वेव होती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो एवी ब्लॉक होता क्या है? एवी ब्लॉक के अंदर जो अपना ऐसे नोड होता है पेसमेकर जो स्टार्ट करता है और जो एवी नोड होता है, इन दोनों के अंदर कंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, सही तरीके से कंडक्शन नहीं हो पाता। तो जो अपना ये जो पी क्यू इंटरवल है या इसको अपन पी आर इंटरवल बोलते हैं, ये क्या हो जाता है? एलोंगेट हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल यही अबनॉर्मलिटी आती है अपनी एवी ब्लॉक के अंदर। तो जो पी क्यू नॉर्मल इंटरवल है वो कितना होता है? 200 मिली सेकेंड होता है। इसको अपन सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 0.2 सेकेंड होता है। अगर ये 200 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर अपने क्या हो जाती है? कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, ठीक है। तो जो एवी ब्लॉक है इसको अपने तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड करा है। जो टाइप फर्स्ट है इसके अंदर पी क्यू प्रोलोंगेशन होती है, लेकिन वो क्या आती है? कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये पी क्यू है इंटरवल वो 200 से 300 हो गया, नेक्स्ट वेव के अंदर भी ये 200 से 300 फिर 300 फिर 300, मतलब कांस्टेंट पी क्यू इंटरवल रहता है या फिर कांस्टेंट पी आर इंटरवल, दोनों पी क्यू और पी आर एक ही होता है। तो यहाँ पे अपन को कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये नॉर्मल जब एंजाइटी की कंडीशन होती है तो उसके अंदर ये हो जाता है। लाइक स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा ही टेंशन लेते हैं तो उनको चांस हो जाता है कि उनको टाइप फर्स्ट एवी ब्लॉक हो सकता है। तो प्लीज़ आप इतनी ज़्यादा टेंशन ना लें अपनी पढ़ाई की, ठीक है। फिर अपन एवी ब्लॉक टाइप सेकंड पढ़ेंगे। जो टाइप सेकंड है इसको मैंने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा है, मोबिट्स फर्स्ट मोबिट्स सेकंड। जो मोबिट्स फर्स्ट है ये बैंक बैंक फिनोमिनन होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। क्या इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो पी आर प्रोलोंगेशन होता है वो एक प्रोग्रेसिव मैनर में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, ये जो अपनी ईसीजी की वेव है, ठीक है, तो इसके अंदर जो पी क्यू इंटरवल है वो अपने समझा कि वो बढ़ गया, ठीक है, वो बढ़ गया 200 से 300 बढ़ गया, ठीक है। फिर ये क्या हुआ? 300 से 400 हो गया, फिर 400 से 500 हो गया, 500 से 600, मतलब ये प्रोग्रेसिव मैनर में क्या है? इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे पी क्यू जो प्रोलोंगेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा डेंजरस होता है कंपेयर टू टाइप फर्स्ट एवी ब्लॉक। और इसको अपन कई कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है जो क्यू आर एस इंटरवल होता है ना वो अपना ड्रॉप हो जाता है लास्ट में जाके। तो इसके अंदर अपन को जो पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसके अंदर जो पी क्यू इंटरवल है वो जो प्रोग्रेसिव मैनर में प्रोलोंगेट हो रहा है, ठीक है। फिर अपन दो देखते हैं मोबिट्स टाइप सेकंड। जो टाइप सेकंड का दूसरा पार्ट है मोबिट सेकंड, इसके अंदर क्या होता है? जो कांस्टेंट पी क्यू प्रोलोंगेशन होता है, कांस्टेंट पी क्यू प्रोलोंगेशन जैसे अपने टाइप फर्स्ट के अंदर होता था, बट इसके अंदर क्यू आर एस ही मिसिंग है। मतलब जैसे ये अपनी जो पी क्यू है इसके अंदर पहले 300 हुआ, फिर आगे भी 300 300 300, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इसके अंदर जो अगली वेव है उसके अंदर क्यू आर एस ही मिसिंग है, ओके। जो टाइप सेकंड का जो पार्ट फर्स्ट है मोबिट्स टाइप फर्स्ट, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसके अंदर अपन को एक टेम्प्ररी पेसमेकर की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्प्ररी पेसमेकर, या फिर अपन इसके अंदर एट्रोपिन दे सकते हैं। एट्रोपिन क्या होता है? एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है जो अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। लाइक उसका एक्शन सिंपैथेटिक जैसा होता है, लाइक पैरासिंपैथेटिक का अपोजिट थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे अपना जो टाइप सेकंड, इसके अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं? परमानेंट पेसमेकर यूज़ करते हैं। टाइप सेकंड इससे ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसके अंदर क्यू आर एस ही मिसिंग होता है, हालांकि इसके अंदर कांस्टेंट पी क्यू प्रोलोंगेशन होता है, ठीक है। प्रोलोंगेशन का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा मतलब पी क्यू प्रोलोंगेट हो जाता है। यहाँ पे जो कंडक्शन ऐसे नोड और एवी नोड के कंडक्शन में प्रॉब्लम आती है तो टाइम लगता है, उसी के कारण यहाँ पे जो अपना पी क्यू है वो प्रोलोंगेट हो जाता है, ठीक है। अब अपना टाइप थर्ड पढ़ेंगे। टाइप थर्ड सबसे ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है इन सब से, तो अपन देखते हैं। टाइप थर्ड के अंदर क्या होता है? ये कंप्लीट एवी ब्लॉक हो जाता है। अपने जो एट्रिया और वेंट्रिकल के जो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक होता है कि एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर वेंट्रिकल करता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? एट्रिया और वेंट्रिकुलर एकदम अपने इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन दोनों को आपस में कोई मतलब नहीं होता। मतलब ईसीजी बिकम कम्प्लीटली क्रेजी, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? इसके अंदर सिम्टम्स आता है डिस्पनिया, मतलब पेशेंट हैव ए कॉम्प्लिकेशन इन ब्रीथिंग, स्वेटिंग एंड टाइर्डनेस, ठीक है। इसके अंदर ईसीजी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कॉन्स्टेंट पी पी और पी पी क्यू नहीं, कॉन्स्टेंट पी पी और क्यू क्यू इंटरवल होता है। लाइक ये पी और पी ये कॉन्स्टेंट रहेगा,
क्यों और क्यों कांस्टेंट रहेगा, मतलब क्यों और क्यों कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पी क्यू का अभी अपन नहीं बता रहे क्योंकि अपनी जो पी वेव है दैट इज़ बरीड इन क्यू आर एस, मतलब यहाँ पे अपन को पी वेव दिख ही नहीं रही है क्योंकि जो पी वेव है वो क्यू आर एस के अंदर ही क्या हो गई, बरीड हो गई, ठीक है। और समटाइम अपना क्यू आर एस है वो भी क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। तो ये टाइप थर्ड है वो कम्प्लीट हार्ट ब्लॉक या कम्प्लीट ए वी ब्लॉक की कंडीशन है, ठीक है।